यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने टॉपिक लिखा है परचेज एंड परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज और परचेज रिटर्न जो है बच्चों किस तरह से करेंगे उसको हम देखेंगे। परचेज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सबसे कि परचेज किस तरह से आप लोग को करना है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे परचेज रिटर्न कि परचेज रिटर्न किस तरह से होगा। परचेज रिटर्न का मतलब जो कोई सामान हमने खरीदा, जब खरीद लिया तो वो उसको क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न किस तरह से करेंगे तो वो देखते हैं। चलिए जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है, आपको यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है प्रिपेयर परचेज बुक इन मिस्टर करेंसी अकाउंट, है ना। तो मैंने परचेज किससे किया है, मिस्टर करेंसी किया हुआ है, तो मिस्टर करन है यहाँ पर और इससे मैंने परचेज किया है, राइट। तो अब इसका एक यहाँ पर लेजर बन जाएगा। उसके बाद परचेज फ्रॉम मिस्टर मेहता टेलीकॉम, ठीक है, यमुना विहार का, इतने इतना पीसेस सामान, बहुत सारे कुछ सामान यहाँ पे दिए गए हैं। साथ में परचेज फ्रॉम अभित अभित टेलीकॉम, इन दो लोगों से हमने क्या किया, तो परचेज किया है, ठीक है, इन दोनों लोगों से, ठीक है। और दोनों का अकाउंट मिस्टर करण पे बनेगा, तो मिस्टर करण का अकाउंट बना लेता हूँ मैं, चलो ओके। इसके बाद नीचे देखोगे जो भी हमने माल खरीदा है उसमें रिटर्न भी किया है, उसमें हमने क्या किया है, तो रिटर्न किया है। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न भी हमने करना अपने को, दोनों लोगों को मेहता से भी खरीदा उसको भी रिटर्न किया और अभी टेलीकॉम से खरीदा उसको भी रिटर्न किया, तो दोनों को रिटर्न भी करना है साथ में, ओके। नाउ नेक्स्ट देखोगे जब आप, तो नेक्स्ट में यहां पे लिखा हुआ है कि नेट परचेज, मतलब जितना आपके परचेज हुई है, तो नेट परचेज दिखा हुआ है 23,94,050 और परचेज जो रिटर्न है वो आपको 1,59,210। ये दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इन चीज़ों को समझना है, ये किस तरह से हम करेंगे और किस तरह से बनाएंगे। एक तो नेट परचेज है, दूसरा आपका परचेज रिटर्न है, ये दो चीज़ें हैं, ओके। तो दोनों के लिए बस एक सिंपल सा चीज़ है जो आपको समझना है। याद करो हमने सिखाया था, फर्स्ट क्लास में ही बताया था जब मैंने आपको इस परचेज वाउचर के बारे में पढ़ा रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, है ना, यहाँ लिखा हुआ है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो इसको डिस्प्ले करके जाना, ये कहाँ जाना ये पता है आपको। रिटर्न के लिए जनरल रजिस्टर में जाएंगे डेबिट नोट पे और यहाँ पे एंटर करेंगे, ओके। चलिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो देखते हैं यहाँ पर इसके अलावा। अब मैं टैली पर आता हूँ सीधा ताकि आपको मैं बता सकूँ। टैली पर एंट्री करते हैं, सबसे पहले कंपनी बनाना है मुझे यहाँ पर और कंपनी का नाम देना है क्या, मिस्टर करण, यहाँ पे एड्रेस डालना है तो डाल दो, नहीं डालोगे तो 21 चल रहा बट मैं 19 ही डाल रहा हूँ। अकाउंट बन चुका है, मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे कोई लेजर आप सिंगल बाय सिंगल करके नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, ओके। तो किस तरह से, मैं इन्वेंट्री पे या वाउचर पे डायरेक्ट जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और वाउचर पे जाने के बाद परचेज पे जाऊँगा। परचेज के लिए क्या सिखाया मैंने, तो परचेज के लिए F9 सिखाया मैंने यहाँ पर कि F9 करना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सप्लायर का नाम दो और यहाँ पर जैसे एज इट इज़ आपको पार्टी नेम यहाँ पर दे देना है, जो भी पार्टी नाम हो पार्टी नेम बना दो। तो पार्टी नेम बनाने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार बार बता रहा हूँ, अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे डायरेक्ट बनाने के लिए, अल्ट प्लस सी करेंगे, तो अल्ट प्लस सी कर दिया मैंने, तो अल्ट सी में जैसे किया तो यहाँ पे आपका लेजर क्रिएशन आ रहा है कि लेजर का नाम बता दो, तो लेजर क्रिएशन में नाम हो जाएगा यहाँ पर जिससे परचेज अकाउंट, ये पे नाम है मोहित था नाम इस पर ना, मेहता टेलीकॉम,
मेहता टेलीकॉम, ठीक है, तो ये किसमें जाएगा, तो सन्ड्री, ठीक है, आ चुका सन्ड्री क्रिएटर। क्यों आ चुका, क्योंकि परचेज कर रहे हैं हम, है ना, जब कोई भी आइटम को हमें परचेज करना होगा तो इस कंडीशन में इसे सन्ड्री क्रिएटर करना होगा, क्योंकि मेहता टेलीकॉम से कोई भी सामान को हमें परचेज करना है, परचेज मैं यहां से कर रहा हूं। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट, तो पर्ची यहां पे बना लिया मैंने मेहता टेलीकॉम, ठीक है, इसको देखकर देखूं मैं, मेहता ही है ना, मेहता, ठीक है। इसके बाद 50 की सैमसंग गैलेक्सी है, देखिए अकाउंट और बनाना पड़ेगा हमें, उसका नाम होगा क्या, उसका नाम होगा परचेज लेजर, अल्ट प्लस सी करूंगा, यहां बनाऊंगा मैं परचेज का, परचेज अकाउंट, ठीक है, जैसे जानते हैं कि परचेज का तो परचेज मिल जाता है, ये तो पता ही है, बचपन से ही है, शुरू से पढ़ाता आया हूं मैं, परचेज का हमेशा परचेज अकाउंट में आपको ये जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर है, तो एक बार हाँ बोल दें, या कुछ नेटवर्क में इश्यू हो रहे तो वो भी बोल दें मुझे, तो मैं भी आज थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, 10-15 मिनट पहले से देख रहा हूँ, नेटवर्क में इशू हो रही है, ओके यस सर बोल रहा है, ठीक है, चलो मैं नेटवर्क को चेंज कर लेता हूँ एक बार, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बट अपना हॉटस्पॉट अपने पास रख दो, ठीक है, वीडियो में डाल रहा था, वीडियो भी अपलोड हो रहा था, इस वजह से स्लो चल रहा था, अपलोड हो चुका, अब नहीं चलेगा स्लो, ठीक है, इसलिए ज्यादातर वीडियो मैं रात में डाल देता हूँ, क्योंकि दिक्कत ना हो क्लास लेते समय, आज सारे वीडियोज में क्लास भी ले रहा था और अपलोड भी कर रहा था, तो भाई हमें क्या देखना है, क्वेश्चन पे आता हूं मैं, तो यहां पे मेरा परचेज मेहता से है और 50 पीस सैमसंग गैलेक्सी है J17 Max एट द रेट ऑफ 16,500 सैमसंग गैलेक्सी बनाएंगे J7, तो अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे यहां पर, तो डायरेक्ट बनाने के लिए अल्ट प्लस सी करना अपने को फिर से, और यहां पे स्टॉक आइटम में नाम जो लिखना है आपका सैमसंग गैलेक्सी था J7, ठीक है, जो नाम होगा यहाँ पर डाल देना आप, अब अंडर है तो किसके अंडर जाएगा, तो अंडर अंडर छोड़ दो, यहाँ पर यूनिट बना लो, तो यूनिट के लिए मैंने अल्ट सी फिर से कर रहा हूँ पीसेस, ये भी आपका बन चुका। नाउ अब क्वांटिटी देख लिया करो कि क्वांटिटी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्वांटिटी कितनी है, 50 पीसेस है और 16,500 का प्राइस है, तो 50 पीस 16,500, ठीक है, रेट है 16,500, एक तो बन गया जी हमारा, इसके बाद नेक्स्ट में क्या बनाना है मुझे, 10 पीसेस एप्पल का फोन है 32 एप्पल S7, ठीक है, एप्पल के अल्ट एस करेंगे, सॉरी अल्ट सी करूंगा, और यहाँ पे एप्पल के मोबाइल का जो भी फोन होगा S7 वो ले लेंगे, पीसेस बना हुआ है हमारे पास, और क्वांटिटी 10 पीसेस, और रेट एक बार देख लेता हूँ, रेट दिया गया है इसका 45,600, है ना, 45,600, ये भी इसका आ चुका है। नाउ नेक्स्ट में पार्ट देख लेता हूँ, इसके बाद क्या है, इसके बाद है इसका ओप्पो F1S 15,400 40 पीस, ओप्पो F1S, और क्वांटिटी है 10 पीस ही होंगी इसके, क्वांटिटी है ओप्पो के 40 पीस, ठीक है, 15,400 ओप्पो भी हो चुका। उसके बाद नोकिया का है, नोकिया 6 14,030 पीस, नोकिया
40 पीस, 30 है ना, 30 पीस, 14,000। एक बार चेक कर लो, 30 पीस, 14,000, 6। ओके, अब यहाँ ना मेरी आवाज में दिक्कत हो रही होगी, नहीं आपको स्क्रीन में दिक्कत हो रही होगी। हाँ जी, सब कुछ क्लियर होगा। अब हमारा एक परचेज बन चुका है, अब मुझे दूसरा परचेज बनाना है। तो सेकंड वाला परचेज क्या होगा? परचेज फ्रॉम अभीत टेलीकॉम दुर्गापुर, इसका भी अभीत का यहां बनाना है मुझे। इनवॉइस नंबर 2, डेट रहने देना इट इज, तो अभीत टेलीकॉम है, सनरी क्रिएटर करोगे। ये सब सारा चीज बता चुका हूं, इसलिए स्पीड से कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं डालूंगा क्या, परचेज, परचेज ऑलरेडी बना हुआ है। आइटम बनाना पड़ेगा मुझे, आइटम में सबसे पहला क्या दिखा हुआ है यहाँ पे, मेमोरी कार्ड है किंगस्टोन का, कंपनी किंगस्टोन है यहाँ पर, 64 GB, 10 पीसेस हैं। यहाँ पे बनाऊंगा मैं अल्ट प्लस सी, 64 GB मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड किंगस्टोन का है। क्या रेट लगा रहा है, क्या चीजें हैं, 64 पीसेस का 4500 और क्वांटिटी है इसकी 10 पीस। एक मिनट, ये तो सैमसंग, ठीक है, 4500 है इसका, इतना महंगा कहाँ आता है। चलो इसके बाद क्या है, 10 पीस 32 GB मेमोरी कार्ड सैमसंग का है, तो 32 GB अल्ट प्लस सी करूँगा, 32 GB मेमोरी कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट होगा 10 पीसेस है, और रेट है यहाँ पर इसका क्या, 3100। अब अगर एक गलती हो गई, जैसे यहाँ पे देखो मैं सैमसंग लिखना भुला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या शॉर्टकट बता रहा हूँ ध्यान से देखो, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर से आप डायरेक्ट उस पे चले जाओगे और उसको इम्प्रूव कर सकते हो आप, जो भी आपको छूटा हुआ है कंट्रोल ए से सेव कर लोगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। है कि दोबारा आपको लिखना पड़ेगा, तो घबराओ मत, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, तो लिख लिया कर। आगे ये भी चाहम हो चुका, हमारा काम हो गया। ओके, उसके बाद 15 पीस कार्ड रीडर है 70 रुपये करके, तो कार्ड रीडर बना लो, पंद्रह पीस है 70 रुपये करके लग रहा है, मैं देख लूँ, डन हो गया, ठीक है जी। अब हमारा एक काम परचेज का हो चुका है, जो ऑलरेडी मैं इतना 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो क्लियर हो चुका होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ किसी को? ओके, बहुत बढ़िया, नहीं है तो अच्छी बात है। अब एक चीज देखो, मुझे करना है परचेज रिटर्न, परचेज तो हो गया भाई हमारा, अब रिटर्न करना है। मेहता से मैंने कुछ सामान खरीदा था, तो जब जहाँ पे व्यापार बड़े बिजनेस पे होता है, तो वहाँ पे रिटर्निंग चलती है, चाहे मेहता टेलीकॉम है, चाहे अभी टेलीकॉम है, रिटर्न करना है कभी चाहिए आप, ठीक है। तो किस तरह से करोगे ध्यान से देखो, यहाँ पर टेली पे बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये साइड वाले पार्ट को अगर देखोगे ध्यान से, इस वाले पार्ट पे देखोगे, यहां पर आपको 2-3 चीज दिखेगा जो समझने वाली बात है। क्या समझना है, पहला तो आपका एक दिखा हुआ यहां पे क्रेडिट नोट, ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। यहां देखो तो लिखा हुआ है क्रेडिट नोट पहला, दूसरा एक लिखा हुआ है यहां पर आपका डेबिट नोट। अभी क्रेडिट नोट क्या है और डेबिट नोट क्या है, इसको समझना है थोड़ा सा। देखो सर, डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, फिर से वो रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको क्रेडिट नोट है, मतलब आपने कोई सामान बेचा, ठीक है, सेल किया, जो सेल्स का जो रिटर्न आएगा ना, उस सेल्स का रिटर्न आपको यहाँ पर, सेल्स रिटर्न आपका क्रेडिट नोट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो डेबिट नोट है, जो आपने कोई परचेज किया कोई भी चीज़,
ठीक है, और परचेज को रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न आपका वो डेबिट नोट कहलाएगा। ये बातें क्लियर होंगी आप दोनों को, सबको, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। ये लेकिन एक चीज नोटिस करो, अभी भी इसमें पॉइंट वाली क्या बात है कि एक्टिवेटेड नहीं है ये चीज अभी भी, अगर देखोगे तो एक्टिव, जैसे ये इनेबल है, जैसे जनरल हो गया, सेल्स हो गया, सारे में इनेबल है, बट ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इनेबल नहीं है। अगर शो होगा तब तो करेंगे, मुझे रिटर्न तो करना है, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल्स रिटर्न हो, बट करेंगे कैसे, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, तो F11 प्रेस करना है आपको, और F11 प्रेस करने के बाद F2 प्रेस करना है इन्वेंट्री। यहाँ देखोगे नीचे में तो इन्वेंट्री दिख रहा है, F2 प्रेस करोगे इन्वेंट्री में, ठीक है। तो मैं F2 प्रेस कर देता हूँ। F2 प्रेस करने के बाद आप देखो यहाँ पर रिकॉर्ड क्रेडिट एंड डेबिट नोट है जो नो किया हुआ है, इस बात को देखो ध्यान से, मैं जूम कर रहा हूँ, सॉरी F11 F2, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो जूम कर रहा हूं, यहां पर देखो आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट लिखा गया है। क्या लिखा हुआ, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट और डेबिट। तो इन सारे पार्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, तीनों को आपको यस करना पड़ेगा। जो नो है इस नो को कन्वर्ट करके आपको यस में बदलना पड़ेगा, इस सारे नो को आपको यस करना पड़ेगा, राइट। इसको आप यहां पे यस कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यस करने के लिए यहां पे यस ले आएंगे, इसको भी यस कर देंगे, इसको भी यस कर देंगे। यस करने से तुरंत कंट्रोल लेकर के सेव करना अपने को। अब यहां पे साइड में देखो आपको दिख रहा है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों एक्टिवेट हो चुका है आपका, आए ना, दोनों आपका एक्टिवेट हो चुका है, देखो ध्यान से, ठीक है बच्चों। अभी अभी डिजेबल था, बट अब ये यहाँ पे आपको इनेबल शो कर रहा है क्योंकि हमने वहां पे जाके कर दिया है। अब चीजों को समझना है, साथ में अगर ध्यान से देखोगे और भी ज्यादा जूम मैं करूं अगर, तो देखो F8 के नीचे डबल बार दिया गया है और F9 के नीचे भी डबल बार है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आप लोग को, फिर भी बता दे रहा हूं। इसका डबल बार का मतलब होता है आपका कि इसका मतलब होगा कि F8 को कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, इसका मतलब होता है आपका कंट्रोल, ठीक है। तो यहां पे इसको कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस F8, ठीक है। कंट्रोल F8 करेंगे तो सेल्स रिटर्न होगा, जबकि अगर आप परचेज रिटर्न करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस F9, क्योंकि F9 से आप परचेज करते थे, लेकिन यहां पे चूंकि आपको रिटर्न करना है परचेज रिटर्न, तो कंट्रोल F9 करना पड़ेगा। ये अब यहां पे आपको एज इन वाइस मोड यहां मिल रहा है, देखो ऑप्शन एज इन वाइस मोड है ना, और अल्ट आई, इसको भी आप प्रेस कर लोगे, किसको, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग मोड एज इन वाइस मोड, ठीक है, ओके ना। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, कंट्रोल वी और कंट्रोल आई, तो कंट्रोल वी और कंट्रोल आई से इस तरह की चीजें आ गई यहां पर। अब यहां पर किसको रिटर्न करना है, रिटर्न का देख लो, मुझे किसे रिटर्न करना है, तो मुझे रिटर्न करना है मेहता को, है ना, मेहता टेलीकॉम को, तो नाम सेलेक्ट कर लेंगे मेहता, कुछ नहीं करना है। परचेज रिटर्न के लिए भी परचेज लेजर ही बनता है, तो आप अगर अलग से बनाना चाहो तो बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या परचेज करना है मुझे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही भावना के, ठीक है, और किसी को नेटवर्क इश्यू नहीं हो रही है ना, अब तो नेटवर्क इश्यू किसी को नहीं हो रही होगा, आई थिंक सैमसंग गैलेक्सी J7 है, ओके सैमसंग गैलेक्सी J7 है। यहां पर क्वांटिटी कितना रिटर्न कर रहा है भाई, ये 4 पीस सैमसंग गैलेक्सी रिटर्न करना है, 4 पीसेस, तो जिससे मैं 4 लिखूंगा बच्चा, देखो अमाउंट वगैरह सब कुछ बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि परचेज रिटर्न में आप ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने 16,500 में खरीदा है तो रिटर्न करते समय कुछ और कर देंगे, अमाउंट बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा,
बस हमें क्वांटिटी ध्यान रखना है अपने को। ये रिटर्न कर दिया, और क्या रिटर्न किया हमने, और रिटर्न किया हमने क्या, नोकिया 6 पीसेस है ना, 6 पीस नोकिया भी हमने रिटर्न किया। नोकिया कितने पीसेस है, 6 पीसेस है। ये हमारा रिटर्न हो चुका है, मतलब 1.5 लाख रुपये का रिटर्न हमने कर दिया है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद रिटर्न किया अभी, अभी टेलीकॉम को हमें रिटर्न करना है, अभी टेलीकॉम है, यहाँ भी पर्चेज रिटर्न बना लो। और क्या करना है मुझे रिटर्न, तो क्या करना है मुझे, 2 पीस मेमोरी कार्ड है किंगस्टोन का, मेमोरी कार्ड 2 पीस मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड 2 पीस है किंगस्टोन का, ठीक है। क्या रिटर्न है, 2 पीस है ना, बस वही हो जाएगा। इसके बाद कार्ड रीडर है, इसके बाद कार्ड रीडर है, 3 पीसेस हैं, 3 पीसेस हैं, ये चीज़ हो गई। अब हमने दोनों का रिटर्न तो कर लिया है, अगर मैं डे बुक में जाऊं, डे बुक में जाने के बाद देखो यहाँ पर 2 बार परचेज किया हमने, और 2 बार उसी से रिटर्न भी किया है, परचेज रिटर्न भी किया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है सारा चीज़ें, यहाँ पर डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे से अमाउंट का आप यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हो कि भाई मेहता से 1.5 लाख के परचेज, सॉरी 23,70,000 के परचेज हुई है, और 1.5 लाख माइनस कर दो तो आपको यहाँ निकल जाएगा ओवरऑल। अभी इसका भी यहाँ पे माइनस कर सकते हो, 77,050 में 9,210 को माइनस कर दो उसमें, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट, मैं अपने को कहाँ जाना है, तो डिस्प्ले जाना है, डिस्प्ले जाने के बाद कहाँ जाना है, अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स बुक में आपको कहाँ जानी है, इस वाले पार्ट में, जैसे कि आपने देखा था कि सेल्स और परचेज रजिस्टर है ना, सेल्स और परचेज रजिस्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप लोग देख भी चुके हैं, ठीक है। सेल्स के लिए सेल्स में करते थे, परचेज के लिए परचेज में करते थे, बट अभी हम लोगों को डिस्कस करना है कि इसमें जनरल रजिस्टर में, इसी में आपका रिटर्न आएगा, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे आपका सेल्स रिटर्न हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो इसके लिए सॉरी जनरल रजिस्टर, तो भाई जनरल रजिस्टर में जाऊंगा मैं, क्या चेक करना है मुझे, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, तो परचेज रिटर्न हमेशा मिलेगा आपको डेबिट नोट रजिस्टर पे, तो डेबिट नोट रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर, और देखो एंट्री करके तो टोटल अमाउंट देखोगे तो 1,50,000 और यहाँ पे 1,59,210 होना चाहिए आंसर आपका, चेक करो 1,59,210 ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है दिया हुआ है यहाँ पर पर्ची रिटर्न का, तो मेरे को बिल्कुल ये सही हो गया आपका, ओके 1,59,210 ओके। नाउ आगे देखते हैं, अगर हम अगर मैं चाहता नहीं, ये तो सर ठीक है इकट्ठा आ जाती, इकट्ठा भी आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, तो डिटेल में चाहोगे तो अल्टे फोन करोगे तो डिटेल आ जाएगा आपका। अब उसी तरह परचेज जो आपने किया है तो परचेज के लिए परचेज में जाके देखेंगे, देखो 23,94,050 रुपीज़, तो 23 लाख चेक करो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर अमाउंट है 23,94,050, चलो चेक करते हैं इसमें हम लोग, देखो यहाँ पर कितना आ गया 23,94,050, ठीक है, तो बिल्कुल ये आंसर हमारा मैच कर गया। तो आपने भी क्या देखा, परचेज और परचेज रिटर्न, इसको प्रैक्टिस कीजिए।